व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट प्लेस वॉवल्स, सेकंड प्लेस वॉवल्स की तरह फर्स्ट प्लेस के भी जो वॉवल्स हैं ये भी चार हैं। दो वॉवल्स हैवी साउंड वाले होते हैं, दो लाइट साउंड वाले वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स को समझना शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शॉर्ट हैंड के स्टेनोग्राफर्स को वॉवल समझ आ जाते हैं तो वो ईजीली शॉर्ट हैंड लर्न कर सकता है। इस पर बिगनर्स जो स्टूडेंट हैं शॉर्ट हैंड के, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट प्लेस की चार वॉवल्स हैं, इनके नाम हैं ए एच आ ए, जिसकी साउंड होगी ए, फिर थर्ड वॉवल है ओ, और फोर्थ वॉवल है ओ का, लेकिन इसकी साउंड ओ की नहीं होगी बल्कि इसकी हल्की साउंड होगी। इस तरह ये ए का जो वॉवल है इसकी साउंड ए है, इसी तरह ओ की साउंड भी अ होगी। हल्की साउंड वाले जो वॉवल्स हैं उनकी साउंड वॉवल के नाम से मुख्तलिफ होगी। पहला वॉवल आ वाला है, इसको गहरे नुक्ते से जाहिर करते हैं, इसकी गहरी आवाज़ है। इसकी एग्जाम्पल है काम के और आ और एम, काम और पाम, पी आ और एम पाम। सेकेंड जो वावल है फर्स्ट प्लेस का वो है ए, इसकी आवाज़ ए नहीं होगी, वावल ए का है लेकिन साउंड ए की है। सेकेंड प्लेस वाला जो ए का वावल है उसकी आवाज़ ए की आवाज़ है, जो कि एक्चुअल ए की आवाज़ है। यहाँ पर आवाज़ क्या होगी ए। शॉर्ट हैंड में जो वॉवल्स हैं ए के वॉवल, ओ का वॉवल, ई का वॉवल, डबल ओ का वॉवल, इसे दो दो वॉवल्स हैं। और मेन जो इसमें चीज़ समझने वाली है वो यही है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही सबसे अहम होता है स्टेनोग्राफर के लिए। तो यहाँ पर ए की आवाज़ है, ये वाला जो ए है इसकी एग्जाम्पल एट है, और सेकेंड इसकी एग्जाम्पल एड है। थर्ड जो फर्स्ट प्लेस का वावल है वो ओ का वावल है, ए डब्ल्यू इस वावल का नाम है, इसमें इसकी जो साउंड आती है वो ओ की साउंड आती है। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है लॉ, एल और ओ लॉ, और सेकेंड एग्जाम्पल है सॉ, एस और ओ सॉ। जबकि फोर्थ वावल जो ओ का वावल है फर्स्ट प्लेस का, इसकी साउंड ओ की साउंड है, ओड ओ डबल डी ओ ड, और जॉब जे ओ बी जॉब, जे ओ और बी ओ ब। अगर हम जे को हटा दें तो हमें साउंड आएगी ओ की। यहाँ मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि वॉवल की साउंड जज करने का जो तरीकाकार है वो यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है कि हमें कंसोनेंट को अलहदा करके वॉवल की साउंड पर फोकस करना चाहिए। जैसे है वर्ड ऑड, तो हम इसमें डी की आवाज़ से पहले ही ओ की आवाज़ को रोकेंगे, इस तरह हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से वॉवल की साउंड है। अक्सर जो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बात पूछते हैं कि हम वॉवल की साउंड को कैसे जज कर सकते हैं, तो उसका एक आसान सा हल यही है कि आप कंसोनेंट्स को अलहदा करते रहें और उसके बाद फिर आप वॉवल की साउंड पर फोकस करें। आपको पता चल जाएगा ये कि 12 वॉवलों में से ये कौन सा वॉवल है। जैसे है लफ्ज़ जॉब, अगर हम जे को हटा दें तो वर्ड बन जाएगा ऑब, अगर हम इस बी को भी ना पढ़ें तो वर्ड बन जाएगा ओ, ओ कि इसके अंदर से आवाज़ है। फर्स्ट प्लेस के दो असूल जो हैं इससे हमें पता चलेगा कि शॉर्ट हैंड की जो ये आउटलाइन है ये फर्स्ट प्लेस की है। पहला जो उसका असूल है फर्स्ट प्लेस का वो ये है कि वॉवल को कंसोनेंट की फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं। दूसरा जो असूल है लफ्ज़ में
आने वाला पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट लाइन को लाइन से ऊपर लिखा जाता है। फर्स्ट प्लेस का जो सेकंड असूल है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फर्स्ट प्लेस में जो इंग्लिश का लफ्ज होगा उसमें पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट जो आएगा वो लाइन से ऊपर लिखा जाता है। ये फर्स्ट प्लेस का सेकंड असूल है। पहला असूल ये है कि वावल को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं। वावल को या लेफ्ट या राइट लिखते हैं या बिफोर या आफ्टर लिखते हैं, एज पर वावल, जो वावल हमारा आ रहा होता है अगर वो पहले आ रहा है तो कंसोनेंट जो है वो वर्टिकल है तो हम पहले लिखेंगे, अगर वावल बाद में आ रहा है तो वर्टिकल कंसोनेंट के साथ हम बाद में लिखेंगे। इसी तरह हम अगर वावल हॉरिजॉन्टल है, सॉरी कंसोनेंट हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट के साथ पहले वावल आने पर बिफोर लिखा जाएगा, जबकि बाद में वावल आने पर आफ्टर लिखा जाएगा।